पिछली वीडियो में हमने तीन मुख्य फैक्टर्स को जाना था जो हिप फ्रैक्चर से रिकवरी में महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम बात करेंगे कि इन तीनों फैक्टर्स का ख्याल कैसे रखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले फैक्टर से, जो है प्री इंजरी फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल को चेक करने के लिए हम बार्थेल इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। बार्थेल इंडेक्स में आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को जांचा जाता है और उसे एक स्कोर दिया जाता है। आपका बार्थेल इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है, उतनी ही तेजी से आपकी रिकवरी होती है, क्योंकि हर मरीज का बार्थेल स्कोर अलग होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए जिन मरीजों का बार्थेल स्कोर कम होता है उनके इलाज में बाकी दोनों कारक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो है मेडिकल कोमोर्बिडिटीज, यानी कि आपकी अन्य चिकित्सा समस्याएं। मेडिकल कोमोर्बिडिटीज को चेक करने के लिए हम चार्लसन इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई भी चिकित्सा समस्या है, जैसी कि शुगर, दिल की समस्या, गुर्दे की समस्या आदि, तो आपका चार्लसन इंडेक्स का स्कोर हाई आ सकता है और इस कारण से आपकी रिकवरी धीमी हो सकती है। बार्थेल इंडेक्स की तरह ही चार्लसन इंडेक्स भी हर मरीज के लिए अलग होता है और चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए जिन पेशेंट्स का चार्लसन इंडेक्स हाई होता है उनके इलाज में बाकी दोनों फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अंत में हम बात करते हैं कारक नंबर तीन की, यानी के उपचार की गुणवत्ता, इलाज की क्वालिटी। इलाज की क्वालिटी में कुछ मुख्य तत्व होते हैं, जैसे कि पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट, टाइम बाउंड उपचार, इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक, डॉक्टरों का अनुभव और विशेषज्ञता, इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिकल उपकरण के प्रकार और गुणवत्ता, और रिहैबिलिटेशन सेवाएं। तीनों फैक्टर्स में से ये अकेला फैक्टर है जो मरीज पर निर्भर नहीं करता, और सही ट्रीटमेंट का चयन करके आप इस फैक्टर को मजबूत कर सकते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग करने से आपके बाकी दोनों फैक्टर्स की कमी को भी दूर किया जा सकता है। एक और गलत इलाज की वजह से टूटे हुए कुल्हे के मरीज या तो जिंदगी भर बिस्तर या व्हीलचेयर के लायक रह जाते हैं, या फिर समय से पहले मर जाते हैं। और वही दूसरी ओर सही इलाज और मेडिकल केयर का चुनाव करके हिप फ्रैक्चर के ज्यादा से ज्यादा रोगी नॉर्मल जिंदगी में लौट सकते हैं। इसलिए इसे कभी हल्के से ना ले, और हिप फ्रैक्चर से ठीक होने के लिए हमेशा अपने इलाज, डॉक्टर और अस्पताल का चुनाव बहुत ही सोच समझकर और बुद्धिमानी से करें। अगर आप या आपका कोई अपना टूटे हुए कुल्हे के कारण बेड पर है, तो नीचे दिए नंबर पर उनका एक्सरे व्हाट्सएप करके मुफ्त कंसल्टेशन पा सकते हैं। टूटे हुए कुल्हे के कारण होने वाली विकलांगता और मृत्यु को खत्म करने के उद्देश्य से इंडियन हिप केयर एक पहल है हिप फ्रैक्चर के रोगियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की।